बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जो एतिकाफ़ करते हैं, मसनून एतिकाफ़, औरतें वो एतिकाफ़ कैसे करेंगी, पूरी तफसील के साथ उसका तरीक़ा, ज़रूरी मसाइल इस वीडियो में आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके आपको बताऊंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें, फतावा आलमगिरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 211, तबईनुल हकाइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 225 खोलकर आप ये तमाम बातें मेरी देख सकते हैं जो आपको बताने वाला हूँ। नंबर एक, एतिकाफ़ जो औरत करेगी वो घर पे ही करे, मस्जिद पे न करे, बेहतर नहीं है उसके लिए। घर पे ही एतिकाफ़ करना औरत के लिए मुनासिब है, अफजल है। अगर वो नमाज के लिए कोई जगह मुतय्यन की है, उसी जगह पे एतिकाफ़ करे, उसी रूम पे रहे, उसी रूम से बाहर न निकले। हाँ, अगर कोई जगह मुतय्यन नहीं की थी, कभी यहाँ कभी उस रूम में कभी वहाँ, इस तरह नमाज़ पढ़ती थी, तो एतिकाफ़ करने से पहले उस एक जगह को मुतय्यन कर ले। ये सोचे कि ये नमाज़ पढ़ने की जगह मुतय्यन कर रही हूँ, इसको मैं घर की मस्जिद बना रही हूँ, ये दिल में इरादा करके फिर उस जगह एतिकाफ़ करे। फिर उसका एतिकाफ़ बिला तरद्दुद दुरुस्त हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और नंबर दो, बिला ज़रूरत उससे बाहर न निकले। अब किन कामों के लिए बाहर निकलना जायज़ है, किन कामों के लिए नहीं है, इसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो आएगी। जो बहुत ज़रूरी पेशाब पैखाने के लिए और जो बहुत अहम है, वो सब अलग वीडियो पे आएगी इंशाल्लाह, उनके लिए वो बाहर आ सकती है। वरना बिला ज़रूरत एक सेकंड के लिए भी अगर बाहर आ जाएगी उस मस्जिद से, जो घर की मस्जिद वो बनाई हुई है, वो जिस रूम पे एतिकाफ़ की नियत करके ये रूम, पूरे रूम को कहती है कि पूरा रूम मेरे लिए मस्जिद के हुक्म में रखती हूँ मैं, फिर उस रूम में, पूरे रूम में वो रहती है, पूरे घर में नहीं, पूरे उस कमरे में रहती है, अगर उससे बिला ज़रूरत भूल कर भी एतिकाफ़ में याद नहीं था, एक सेकंड के लिए भी बाहर आ गई, एतिकाफ़ टूट गया उसका, एतिकाफ़ मसनून एतिकाफ़ जो रमज़ान के महीने के बारे में कह रहा हूँ, एतिकाफ़ उसका फासिद हो गया। अब एतिकाफ़ का जो सवाब और जो फजीलत है वो उसे हासिल नहीं होगी। और नंबर तीन, एतिकाफ़ की हालत में औरत ये कोशिश करे जितने से ज़्यादा हो सके इबादत करे, अल्लाह को याद करे, ज़िक्र अज़कार करे, कुरान की तिलावत करे, कज़ा नमाज़ें पढ़े और जो है नफिल नमाज़ें पढ़े। हाँ, अगर वो ज़रूरत के वक्त घर के कामों काज भी कर सकती है, उसके अलावा घर में कोई काम वगैरह करने वाली नहीं है, वही है जो घर के कामों काज करती है, उसी रूम पर रह के, बाहर नहीं निकल सकती, उसी जगह रहकर जिस जगह वो मुतय्यन कर चुकी है एतिकाफ़ के लिए, तो इस हालत में वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह बनाना या आलू प्याज वगैरह काट देना ज़रूरत के वक्त कर सकती है। लेकिन अगर कोई और है काटने वाला, तो फिर ये काम सब में जो मतलब बिला ज़रूरत इन पर न उलझे, क्योंकि एतिकाफ़ का जो मकसद था, अल्लाह को याद करना था, दुनिया को छोड़कर एक सुई हासिल करना था, वो तो इससे हासिल नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा एतिकाफ़ का। इसीलिए ये बहुत अहम मसला था। लोग कहते हैं कि औरत एतिकाफ़ की हालत में घर के कामों काज कर सकती है, यानी ये मैंने मुकम्मल तफसील आपको बता दिया है। और नंबर चार, अगर एतिकाफ़ की हालत में औरत को हैज़ आ जाए या निफास आ जाए, या फिर जो है शौहर उसका उससे जिमा कर लेता है किसी वजह से, इसीलिए एतिकाफ़ की हालत में शौहर से अलग थलग रहने की कोशिश करें। अभी आगे बताऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर शौहर के साथ रहेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शौहर के साथ रहती है, किसी वजह से जिमा कर लेता है शौहर, तो फिर एतिकाफ़ टूट गया उसका। इसी तरह दिन में अगर किसी वजह से उसका रोज़ा टूट गया, एतिकाफ़ कर रही थी रमज़ान में, किसी वजह से रोज़ा उसका फासिद हो गया, कुछ ऐसे काम कर ली जिससे रोज़ा टूट गया उसका, अब एतिकाफ़ भी टूट गया, क्योंकि बग़ैर रोज़े के ये जो मसनून एतिकाफ़ हैं वो एतबार ही नहीं होंगे इस एतिकाफ़ के। और नंबर पाँच, शादीशुदा जो औरत है जिसकी शादी हो चुकी है और वो घर के कामकाज करती है, शौहर घर में मौजूद है, ऐसी औरत के लिए ज़रूरी है वो शौहर से इजाज़त लेकर एतिकाफ़ करे। अगर शौहर से इजाज़त नहीं लेगी तो सख्त गुनाह मिलेगा। शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, वरना एतिकाफ़ का एतबार नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए अगर शौहर घर में है, अगर शौहर घर में नहीं है, कहीं बाहर मुल्क में है, कहीं दूसरी जगह है, वो इतने दिनों तक जब तक एतिकाफ़ में रहेगी वो घर आएंगे नहीं, ऐसी सूरत में इजाज़त ले ले तो अच्छी बात है, लेकिन इजाज़त उस वक्त ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि घर में रहेंगे तो हो सकता है किसी वक्त तकाजा हो जाए जिमा वगैरह के लिए, सोहबत के लिए, तो फिर ये तो इतिकाफ में बैठी है, इसीलिए इजाज़त ज़रूरी है शौहर की। लेकिन अगर बाहर हैं तो फिर ये मामला ही पेश नहीं आएगा, तो इजाज़त उस वक्त ज़रूरी नहीं होगी। और इसी तरह जो है नंबर 6, लोग ये समझते हैं कि जो शादीशुदा औरत है सिर्फ वही इतिकाफ कर सकती है, कुंवारी औरतें, कुंवारी लड़कियाँ जो हैं वो इतिकाफ नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत बात है, एतिकाफ कुंवारी भी कर सकती हैं, अगर समझदार हैं, जो बालिगा हैं तो वो भी एतिकाफ कर सकती हैं, उनका भी एतबार होगा, कोई बात नहीं है। और नंबर 7, कुछ औरतें ये समझती हैं जो बच्चे वाली औरत है, जो पेट में हमला है, हमल से है, या फिर बच्चा पैदा हो चुका है उसके बाद वो पाक हो चुकी है, वो औरत जो बच्चे को दूध पिला रही है, इस हालत में वो एतिकाफ नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत बात है, अगर वो औरत रोज़ा रखी हुई है तो इस हालत में वो एतिकाफ कर सकती है, एतिकाफ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो रोज़ा नहीं रखती है तो फिर बग़ैर रोज़े के एतिकाफ तो नहीं होगा, इसलिए वो एतिकाफ नहीं कर सकती। अगर रोज़ा रखती है, हामला औरत है या बच्चे वाली औरत है, तो एतिकाफ बिल्कुल कर सकती है, कोई बात नहीं। एतिकाफ की हालत में बच्चे को दूध पिलाएगी, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल पिला सकती है। ये तमाम मसाइल औरतों के एतिकाफ़ से मुतालिक हैं। बहुत अहम अहम पॉइंट्स की बातें मैंने चुन चुन कर आपके सामने बयान किया है, इसीलिए आपकी ज़िम्मेदारी है इसे चुन चुन कर आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सही मसला, सही इल्म उन्हें भी हो सके। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।